देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर से न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। लखीमपुर खीरी उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक प्रदीप कुमार ने शारदा नदी के पुल से छलांग लगा दी। ग्रामीणों द्वारा मामले की सूचना डायल 100 व कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पलिया कोतवाली पुलिस मौके पर जा पहुंची और गोताखोरों की मदद से शिक्षक की तलाश शुरू कर दी। प्रदीप पलिया निगासर रोड पर स्थित प्राथमिक विद्यालय मलिनिया में शिक्षक रूप में तैनात थे। बताया जाता है कि घर से प्रदीप बस में सवार होकर गोला से पलिया के लिए निकले थे, लेकिन वह पलिया से पहले ही शारदा पुल पर उतर गए। बताया जाता है कि पहचान वाले कुछ उनके साथियों ने वहां खड़े होने के बाबत जानकारी ली। जानकारी लेने पर उन्हें किसी का इंतजार करने की बात कही, जिस पर वो लोग आगे निकल गए। बताया जाता है कि कुछ समय बाद प्रदीप ने शारदा नदी में छलांग लगा दी। मामले की सूचना मिलते ही कोतवाली पलिया पुलिस दलबल के साथ मौके पर जा पहुंचे और गोताखोरों के माध्यम से शिक्षक की तलाश शुरू कराई। शिक्षक के नदी में छलांग लगाने की सूचना पर एसडीएम पूजा यादव और तहसीलदार अनिल कुमार यादव भी मौके पर जा पहुंचे और शिक्षक की तलाश में एनडीआरएफ टीचर के उदय क्या है। ये एक जो टीचर है प्रदीप कुमार, इनका शारदा नगर में ये कूदने की सूचना मिली, तो उस पर हमारे इंस्पेक्टर पलिया और इंस्पेक्टर भीरा वहाँ मौजूद हैं और जो पीएसी की बाढ़ राहत यूनिट है वह भी लगी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चल रहा है और इसके साथ वाले जब अध्यापकों से संपर्क किया गया तो लोग बता रहे हैं कि इसकी माँ काफ़ी बीमार रहती थी, इस वजह से यह कुछ समय से डिप्रेशन में थे। बाकी अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और हमारा प्रयास है कि इसको सही कुशलता से निकलवा लिया जाए, उसमें हम प्रयासरत हैं।